जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। थायरॉयड ग्लैंड इंसानी जिस्म में आपके गले में मौजूद एक तितली नमा ग्लैंड होता है जिसे थायरॉयड ग्लैंड बोला जाता है। ये दो हार्मोन रिलीज करता है T3 T4। T3 कहते हैं थायरॉक्सिन को, जिसकी अमूमी तौर के ऊपर लोग टेबलेट्स भी खाते हैं थायरॉयड को ठीक करने के लिए, और T4 कहते हैं ट्रियोआइडोथायोनिन। अब T3 डिस्टर्ब होगा या T4 डिस्टर्ब होगा, अल्टीमेटली आपका जो थायरॉयड ग्लैंड है वो डिस्टर्ब होगा। अब थायरॉयड ग्लैंड का बेसिकली काम क्या होता है, हम जो भी खुराक खाते हैं उस खुराक से हमारा जिस्म एनर्जी हासिल करता है। अब खुराक से एनर्जी लेने का जो अमल है ये सारा थायरॉयड कंट्रोल करता है। अगर आपका थायरॉयड ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाता है, इसकी सिक्रीशन या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा होती है तो इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म। इसके अंदर आपके जिस्म जो खुराक से एनर्जी लेता है वो बहुत जल्दी लेना शुरू कर देता है, अल्टीमेटली आपको खुराक लगती नहीं है, आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है, आपका वेट ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाता है। और दूसरी कंडीशन ये होती है आपके जिस्म के जो सेल्स हैं खुराक से एनर्जी लेने का अमल बहुत स्लो कर देते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। अब T3 डिस्टर्ब होगा या T4 डिस्टर्ब होगा, इन दोनों के डिस्टर्ब होने में दो चीज़ें होंगी, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है कि वेट बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लड फ्लो है बहुत तेज़ हो जाता है, फटीग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, थका थका फील करते हैं, मूड स्विंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, बाल आपके रफ होना शुरू हो जाते हैं। ये सारी वो इंडिकेशन और सिम्टम्स हैं जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म को इंडिकेट करती है। अगर हम हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो इसमें वेट बहुत कम होना शुरू हो जाता है, इसके साथ साथ फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या तो बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल मिस हो जाता है। सोने के अंदर मसला आता है, आपको नींद नहीं आती, थका थका फील करते हैं, आपके हाथ पांव के ऊपर स्वेटिंग आना शुरू हो जाती है, इसके साथ साथ आपके जो स्किन है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। अगर आप में भी ये सिम्टम्स हैं तो आप भी हाइपरथायरॉयडिज्म के विक्टिम हो सकते हैं। तो मेक श्योर डैट अपने थायराइड ग्लैंड को बेहतर करने के लिए अपनी डाइट को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। T3 कम रिलीज होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी डाइट में आयोडीन की कमी है। लेकिन जब से ये रूल पास हुआ है कि पाकिस्तान या पूरी दुनिया में जो भी नमक आएगा वो आयोडीन फोर्टिफाइड होगा, इसलिए आजकल गोइटर की रेशियो बहुत कम है, जिसे गिल्लर भी कहा जाता है। लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस आजकल बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वेट गेन बहुत ज़्यादा है और वेट कम होना यानी कि ग्रेजुअली वेट लॉस के केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप अपने थायराइड ग्लैंड को बेहतर करना चाहते हैं, सबसे पहले मॉनिटर करें कि आप में होने वाली इंडिकेशन हाइपोथायरॉयडिज्म की है या हाइपरथायरॉयडिज्म की है। अगर आप इसको इंडिकेट कर लेते हैं उसके बाद फौरन अपना टेस्ट करवाएं। टेस्ट में आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको वाकई हाइपो है या हाइपर है। टेस्ट करवाने के बाद अपने मारे गजाइयात के साथ कंसल्ट करें और अपने थायराइड का एक प्रॉपर डाइट प्लान हासिल करें, ताकि आपको पता हो कि आपने कब खाना है, क्यों खाना है, कितना खाना है, कितनी मकदार में खाना है, कौन से न्यूट्रिएंट का इंटेक ज़्यादा करना है, कौन से न्यूट्रिएंट को आपने अवॉइड करना है। बहुत शुक्रिया।